सब्सक्राइब करें ट्रेडिंग चाणक्य चैनल को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग चैनक्य की यूट्यूब चैनल में मैं मोहन मित्तल करता हूं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत। और स्वागत है आप सभी का हमारी वेबसाइट ट्रेडिंग चैनक्य .com पे। दोस्तों आज जिस वीडियो के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है राउंड हिट बॉटम। बेसिकली दोस्तों ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ मैं क्योंकि कुछ समय पहले हमारे चैनल पे कमेंट आया और उन्होंने पूछा कि सर जो निफ्टी है वो कंटिन्यूसली गिर रहा है और तकरीबन एक हफ्ता हो गया कहीं भी निफ्टी रुकने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार गिर रहा है। तो उन्होंने पूछा कि आप बताइए अपनी एनालिसिस के हिसाब से कि मार्केट कहाँ रुकेगा, मतलब बॉटम मार्केट का कहाँ लग सकता है। तो फिर उसके बाद किसी साहब ने उनको रिप्लाई करा, मैंने उनको रिप्लाई नहीं करा और उन्होंने कहा कि भाई ऐसा तो कोई भी नहीं बता सकता है कि मार्केट कहाँ जाकर के रुकेगा। तो अब इससे दोस्तों एक सवाल ये पैदा होता है कि जब हम ये नहीं बता सकते कि मार्केट कहाँ जाके रुकेगा या मार्केट का बॉटम कहाँ बन सकता है या कहाँ पर हमें ट्रेड लेना चाहिए, तो हम टेक्निकल एनालिसिस क्यों सीख रहे हैं? तो सीखने का मतलब नहीं बनता। और अगर सीख रहे हैं तो हमें ये बताना भी पड़ेगा कि मार्केट कहाँ आके रुक सकता है। तो अगर आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, आप मार्केट की चाल पे मजबूर हो, तो टेक्निकल एनालिसिस का कोई भी मतलब नहीं बनता। तो भैया फिर तो वो राम भरोसे वाली बात है कि जहाँ बाजार चाहेगा वहां जाएगा, हम तो कुछ नहीं कर सकते, तो हम तो बेकार में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस में ये पावर है कि आप बता सकते हो कि ये एक संभावित बॉटम है या ये संभावित टॉप है और अगर बाजार इसका सम्मान नहीं करता तो आप एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बाहर हो जाएंगे। तो अगर आप ये बता सकते हो तो ही आप टेक्निकल एनालिसिस सीखने का आपको फायदा है और अगर नहीं बता सकते तो टेक्निकल एनालिसिस सीखने का कोई फायदा नहीं है। तो आज दोस्तों बात कर रहे हैं राउंडेड बॉटम के बारे में। तो ये बॉटम इसलिए है क्योंकि हम ये जजमेंट कर सके कि मार्केट का बॉटम कहाँ लग सकता है। एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते कि भाई एग्जैक्ट यहाँ आके रुक जाएगा या एग्जैक्ट यहाँ से ऊपर बढ़ेगा, लेकिन हाँ हम थोड़ा सा आसपास जरूर बता सकते हैं। आप कुछ पॉइंट्स के आसपास बता सकते हैं कि भाई इस एरिया के आसपास कहीं ना कहीं बॉटम हो सकता है। तो इसके लिए हम एक टेक्निकल टूल मान लीजिए या टर्म मान लीजिए, उसके बारे में बात करेंगे, राउंडेड बॉटम। राउंडेड बॉटम दोस्तों नॉर्मली क्या आपको 70-80% आपको राउंडेड बॉटम दिखेगा जब भी मार्केट का कोई बॉटम बनता है। मार्केट जब भी एक बॉटम बनाएगा या एक जगह आकर रुकता है तो आपको इस तरीके की कोई शेप मिलेगी। अभी हम चार्ट में देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अब इस जो शेप है इसको हम कहते हैं राउंडेड बॉटम। टेक्निकल टर्म में, टेक्निकल एनालिसिस के टर्म में इसको राउंडेड बॉटम कहते हैं और ये कुछ इस तरीके से दिखता है, हाफ सर्कल जैसा, या आप इसको मान लीजिए बाउल, मान लीजिए बाउल जैसा आपको दिखेगा कुछ, जिसके अंदर आपको सर्व करते हैं कुछ स्नैक्स वगैरह सर्व करते हैं, या फिर ये एक कॉफी कप की तरह भी दिखता है जिसके अंदर आप टी या कॉफी वगैरह सर्व करते हैं। तो ये जो दोस्तों है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये बॉटम और इस तरीके की शेप जब भी आपको दिखेगी मार्केट में, यहाँ से आपको ये कंफर्म हो जाता है कि मार्केट कहीं ना कहीं ऑप्टिमाइज हो रहा है और जो बायर्स है वो कहीं ना कहीं एक्टिव हो रही है यहाँ से, और बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी रहती है कि यहाँ से मार्केट का बॉटम बन चुका है और मार्केट यहाँ से डेफिनेटली रिवर्स करना चाहिए। और अगर बाई चांस मान लेते हैं कि टेक्निकल टर्म फेल होती है, बॉटम फेल होता है, तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा बनता है, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं बनता है। आपका अगर एनालिसिस गलत होती है तो आप वहां से एग्जैक्ट बाहर भी हो सकते हैं, तो इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। परेशानी वाली बात उनको है जो स्टॉप लॉस का सम्मान नहीं करते, राइट। तो ये थी दोस्तों राउंडेड बॉटम की बात। तो थोड़ा सा हम एक बार चार्ट में देख लेते हैं कि भाई कैसा बनेगा ये, और चलते हैं हम निफ्टी 50 के चार्ट में और थोड़ा सा हम बॉटम कहाँ लग सकता है इसके बारे में भी बात करेंगे, मार्केट की जो अभी रिसेंटली चाल चल रही है उसके हिसाब से। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि राउंडेड बॉटम एक बॉटम का संभावना देता है, साथ ही साथ इसका एक बेनिफिट और भी है, ये ट्रेंड कॉन्टिन्यूस का भी आपको बताएगा। अगर एक ट्रेंड चल रहा है और अचानक से थोड़ा सा वीक हो गया तो वो क्या कंटिन्यू जा रहा है या कंटिन्यू उस ट्रेंड में वापस जाएगा या वो पूरा ही रिवर्स हो गया, तो वो भी आपको ये बताएगा। और आप ये वाला ट्रेंड देखिए जरा, ये बड़ा कमाल का ट्रेंड हमें यहाँ से दिख रहा है कि एक मार्केट यहाँ से 11,000 कुछ से 11,200 के अप्रोक्स से हाई बना के मार्केट सीधा नीचे आई और रुकी है जाकर के
10,000 के अप्रोक्स, 10,000 के आसपास से मार्केट यहाँ रुकी है। निफ्टी 50 का ही क्लोज टू चार्ट है। तो जब मार्केट यहाँ पर आके रुकी तो आप देखें यहाँ पर बॉल जैसा, जैसे हमने देखा था राउंडेड बॉटम का आपको एक पैटर्न दिखाई देता है। हम जरा यहाँ लगा भी लेते हैं, कुछ इस तरीके से आपको ये दिखाई देता है। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से है ना, बिल्कुल इस तरीके से ये राउंडेड यानी हाफ सर्कल जैसा या कप जैसा या बॉल जैसा आपको ये दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली दोस्तों जब इस तरीके का पैटर्न बनता है तब आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट का ये जो है दो, ये 200 या 300 पॉइंट का जो डिफरेंस है ये एक संभावित बॉटम बन गया है। पॉसिबिलिटी है कि ये बॉटम बन गया और मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा। दूसरे यहाँ पर कुछ लोग ये पूछते हैं कि चलिए ये तो हमें पता लग रहा है कि ये एक संभावित बॉटम है, लेकिन हमें ट्रेड कहाँ लेना चाहिए, अब हम कहाँ ट्रेड लें? तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, कन्फर्मेशन चाहिए होती है। जब आप इस तरीके का पैटर्न देखें मार्केट में कि बन रहा है, चाहे आप इंट्राडे यूज करते हैं, चाहे 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो, चाहे 10 मिनट का टाइम फ्रेम हो, वट एवर कुछ भी हो, कोई इशू नहीं है। हम यहाँ वन डे के टाइम फ्रेम पे चेक कर रहे हैं तब भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि टारगेट जो है वो चेंज हो जाएंगे टाइम फ्रेम के हिसाब से। कैसे चेंज हो गया वो मैं आपको भी बताता हूँ कि जब ये आपको राउंडेड सर्कल जैसा दिखाई दे पैटर्न, तो इसमें देखिए कि जो इस सर्कल के अंडर में हाई पॉइंट कौन सा है। तो जरा ये देखिए, एक पॉइंट तो ये था और एक पॉइंट दोस्तों ये था, ठीक है ना। ये दो पॉइंट जो है यहाँ पर हाई थे इस सर्कल के अंडर में। तो इस सर्कल के अंडर में जो टॉप हाई है उसको एक बार आप लगा लीजिए, बिल्कुल इस तरीके से आप इसको लगा लीजिए टॉप हाई को। ये दोस्तों टॉप हाई आपका बन गया। तो जब मार्केट इस टॉप हाई वाली लाइन को ब्रेक कर दे ऊपर की तरफ, जैसे ये ब्रेक कर दिया इसको, और ब्रेक करते ही आपको ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो इस पॉइंट को ब्रेक करने के बाद ट्रेड लीजिए। आपके स्टॉप लॉसेस जो है वो वेरियसेस बनेंगे, मतलब अलग अलग स्टॉप लॉस बनेंगे। कैसे, इस राउंड में आप ही देखिए कि पीक्स कहाँ कहाँ पर आए थे। तो यहाँ पर जो पहला पीक था वो कुछ यहाँ था, एक ही पीक है दोस्तों, कोई मेजर पीक तो यहाँ नहीं लग रहा, थोड़ा सा यहाँ पर एक पीक है जिसके बाद मार्केट उठा है। तो एक तो ये पीक बनता है, दूसरा पीक ये बनता है, ठीक है ना। ये दो दोस्तों पीक बनते हैं। तो ये वेरियसेस स्टॉप लॉसेस है कि अगर आप यहाँ पर अपना ट्रेड इनिशिएट करते तो यहाँ पर आपका पहला जो स्टॉप लॉस बनता है स्टॉप लॉस वन वो ये बनना चाहिए, और जो दूसरा स्टॉप लॉस बनेगा वो आपका ये बनना चाहिए। मतलब मार्केट को ये दो स्टॉप लॉसेस को सम्मान करना होगा, और पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि इसका सम्मान करेगी और मार्केट यहाँ से बॉटम जो है वो बन गया है और यहाँ से मार्केट के ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। और जरा हम इसको अब मिटाते हैं और थोड़ा सा आगे देखते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया क्या। बिल्कुल देखिए, मार्केट यहाँ से बहुत बढ़िया बखूबी ऊपर गया, यानी जो यहाँ पर बना था बॉटम वो एक आपको तकरीबन 200-300-400 पॉइंट्स के अंडर में आपको पता लग गया कि मार्केट ने यहाँ पर एक बॉटम बनाया। अब बात आती है कि टारगेट क्या रखना चाहिए, एक संभावित टारगेट, एक पॉसिबिलिटी जो है, सिंपली पॉसिबिलिटी कि जो आसानी से हमें एक टारगेट मिल जाए इस पैटर्न के हिसाब से। तो ये पैटर्न दोस्तों आपको कहता है कि जब इस तरीके का पैटर्न बनता है, और यहाँ से आपने देखा कि यहाँ से मार्केट का एक हाई ब्रेक हुआ था, ठीक है, तो आपको ये देखना है कि ये हाई और ये जो नीचे का लो पॉइंट है इसके बीच का डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस देखना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का दोस्तों डिफरेंस है 500 पॉइंट्स का, यानी 500 पॉइंट जो है बाजार का जो है सर्कल बनता है। आपका जो टारगेट है वो ऊपर के 500 पॉइंट होने चाहिए, यानी अगर आपने ट्रेड लिया 10,500 पर तो आपका जो टारगेट है वो 11,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो पैटर्न आपको कहता है कि 1:1 आपको इजीली मिल जाना चाहिए अगर ये पैटर्न बन रहा है और इसके सम्मान के हिसाब से आप काम कर रहे हैं। तो 11,000 आपका टारगेट होना चाहिए, यानी ये लेवल आपका टारगेट है। और जो स्टॉप लॉसेस है वो मैंने आपको अभी बताए थे, जो पीक्स है जैसे कि पहला पीक हमें ये मिला था, ये देखिए ये स्टॉप लॉस वन है, दूसरा पीक ये मिला था ये। तो ये दो आपके स्टॉप लॉसेस हैं और आप देख रहे हैं कि मार्केट इनका सम्मान कर रहा है। बिल्कुल यहाँ पर आकर के ये दो कैंडल्स रुकी थी और वापस ऊपर चली गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपका टारगेट बनता है और इस तरीके से आप वॉच करते हैं एक बॉटम को। दूसरा यहाँ पर दोस्तों एक चीज और इम्पोर्टेंट है देखने वाली, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि इससे आप ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है इसको भी पहचान सकते हैं। वो कैसे,
अगर आप देखेंगे यहाँ से एक ट्रेंड बन गया था, मार्केट एक अच्छा हाई दे रहा था और अच्छा हाई देने के बाद मार्केट ने फिर एक पीक दिया, फिर मार्केट ने एक इस तरीके का पैटर्न बनाया जो बिल्कुल उसी तरीके से दिख रहा है, राउंडेड सर्कल की तरह। तो राउंडेड सर्कल की तरह जो दोस्तों पैटर्न दिख रहा है, जरा हम इसको फिर एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, बिल्कुल देखिए है ना, कुछ कुछ ऐसा ही दिख रहा है। और आप देखिए सर्कल के बीच में हाई पॉइंट क्या है, हाई पॉइंट ये है, ये एक अच्छा हाई है और इस हाई के बाद जैसे हाई टूटता है तकरीबन यह हाई यहाँ पर जाके टूटा है और इससे आपको पता लग रहा है कि ये जो यहाँ पर ट्रेंड बना था ऊपर का ये अब कंटिन्यू रहने वाला है, बल्कि कुछ समय तक ये कंटिन्यू रहने वाला है। टारगेट फिर क्या रखना चाहिए, टारगेट फिर यही रखना चाहिए, इसका जो हमारा बीच का डिफरेंस है वही आपका टारगेट होना चाहिए। बीच का डिफरेंस फिर दोस्तों 500 पॉइंट के समथिंग है और 500 पॉइंट के समथिंग है तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि बाजार 11,400 या 500 तक डेफिनेटली जाएगा। तो अगर हम ये प्रिडिक्शन कर पाए और ये सही निकलती है तो बहुत अच्छी हमारी एनालिसिस बन जाएगी। और आप देखिए 400 नहीं बहुत ज्यादा ऊपर गया है, 11,700 के अप्रोक्स ऊपर मार्केट गया है, तो यहाँ भी हमें ये पता लगे कि ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला था। तो ये थी दोस्तों वन डे के टाइम फ्रेम पे बात। आप कभी भी बॉटम देखिए आपको इसी तरीके के पैटर्न बहुत सारे मिलेंगे, मतलब छोटे पैटर्न ही, ये देखिए यहाँ भी कुछ इस तरह का पैटर्न बना हुआ है, ये देखिए इस तरीके का, और ये जैसे हाई पीक हुआ मार्केट सीधा बुलिश सीधा ऊपर। और देख लेते हैं, हमें मोस्टली ये पैटर्न आपको दिखेगा राउंडेड बॉटम आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, ये वाला देख लीजिए, और ये जो बीच का जो हमारा हाई पीक था ये जैसे टूटा मार्केट सीधा बुलिश, और बीच में आपको इस तरीके के वापस आपको मिलेंगे राउंडेड बॉटम, आपको बीच में मिलते रहेंगे जिससे आप ये पहचान सकते हैं कि जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहने वाला है। और अगर हम देखें मार्केट का भी जो करंटली स्थिति चल रही है उसके हिसाब से हम देख लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, क्योंकि दोस्तों 1 मिनट का अगर मैं 1 डे का अगर मैं टाइम फ्रेम कर रहा हूँ तो उसमें अभी ऐसा कोई बॉटम तो नहीं बना, यानी एक ऐसा कोई पैटर्न तो नहीं बना, लेकिन फिर भी अगर हम शॉर्ट टर्म में एक बाउंस बैक देखना चाहे तो शॉर्ट टर्म में भी आप देख सकते हैं। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले लेते हैं और उसके अंदर कुछ स्थिति बन तो रही है लेकिन बहुत अच्छी नहीं बन रही है, लेकिन फिर भी देखते हैं। ये दोस्तों ये हमारा जो मार्केट का है ये पूरा अच्छी तरीके से डाउन हो रहा है और डाउन की स्थिति में आप देखिए ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए, ये ऐसे कुछ ऐसे। तो ये अगर आप देखेंगे तो हमारा जो पहला यहाँ हाई पॉइंट है कुछ इस तरीके है यहाँ पर बनता है, दूसरा आप यहाँ मान सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन है सबसे ऊपर वाली ये टूटनी चाहिए, जो लेवल है तकरीबन है 10,550, अगर मार्केट 10,550 को तोड़कर ऊपर जाता है तो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी बनेगी मार्केट की बुलिश हो जाएगी शॉर्ट टर्म के लिए। और ये जो बीच का डिफरेंस है, बीच का डिफरेंस तकरीबन ये 300-350 पॉइंट का है, तो अगर 10,550 को तोड़कर मार्केट ऊपर जाता है तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो टारगेट होना चाहिए तकरीबन 350 पॉइंट्स, यानी 800 या 900 आपको मिल जाएगा। दूसरा यहाँ पर एक कमाल की बात यह है कि स्टॉप लॉसेस छोटे बनेंगे, स्टॉप लॉसेस पूरा नहीं लेना है, पूरा 1:1 नहीं लेना है, स्टॉप लॉस आपका पहला बनेगा पीक के हिसाब से। तो यहाँ पर जो पीक है ये वाला पीक यानी 10,290 और दूसरा यहाँ पर दोस्तों लास्ट ही आ गया, तो जो पहला पीक है वो स्टॉप लॉस 1 बनता है, दूसरा जो पीक है वो 10,200 के अप्रोक्स ही बनता है। तो इस तरीके से आप यहाँ एनालिसिस कर सकते हैं और एक संभावित बॉटम जो बहुत ही पावरफुल है वो आप पहचान सकते हैं, किसी से आपको पूछने की जरूरत नहीं है कि बॉटम कब बनेगा, कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, ये आपको टेक्निकल एनालिसिस के जो पैटर्न है यही आपको बता देंगे। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।